उत्तर प्रदेश में मॉनसून का दूसरा चरण अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से पूरे राज्य में बारिश का दौर जारी है और इसका असर हर किसी पर पड़ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग का ताज़ा अपडेट भी आ गया है, जिसमें बताया गया है कि अगले कुछ दिनों में पूर्वी और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की संभावना है। तो चलिए जानते हैं क्या है इस मौसम का ताज़ा हाल और कैसे ये बदल रहा है हमारे रोजमर्रा के जीवन को। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 5 से 6 अगस्त के बीच यूपी के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि बारिश के दौरान तापमान में बहुत अधिक गिरावट नहीं होगी, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत राहत तो मिलेगी, लेकिन उमस का असर कुछ हद तक बना रहेगा। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी यूपी पर एक गहरा दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। यही कारण है कि यूपी के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। हालांकि पूरे यूपी में अगले 24 घंटे तक कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार ललितपुर, इटावा, मैनपुरी, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, बरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, मथुरा, झांसी, लखीमपुर खीरी, देवरिया, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इन इलाकों में बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो इस बात का संकेत है कि लोग सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। रविवार को वाराणसी, लखनऊ समेत कई इलाकों में तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला जारी रहा। आंकड़ों के अनुसार 4 अगस्त को यूपी के 30 जिलों में बारिश हुई। वाराणसी में दिन भर धूप और बादलों की आंख मिचौली चलती रही, जबकि ललितपुर और इटावा में जोरदार बारिश हुई। लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर और सोनभद्र में भी बारिश का अच्छा खासा दौर चला। बारिश के साथ साथ कई इलाकों में बाढ़ का भी खतरा बढ़ गया है। जलभराव की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन लोगों को भी अपनी तरफ से सावधानी बरतनी होगी। खासकर जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम के इस बदलते मिजाज के बीच सबसे जरूरी है कि हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें। बिजली गिरने के दौरान घर में रहें, खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचें। बारिश के पानी से बचने के लिए जलभराव वाले क्षेत्रों में न जाएं। बारिश के दौरान वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सड़कों पर फिसलन हो सकती है। अगर आप घर से बाहर हैं और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए, तो किसी सुरक्षित स्थान पर शरण लें और बारिश रुकने का इंतजार करें। मॉनसून की इस बारिश से फसलें जरूर लहलहा उठेंगी और किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आएगी, लेकिन बाढ़ और जलभराव की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन हमें भी सहयोग करना होगा। तो दोस्तों, ये था यूपी के मॉनसून का ताज़ा हाल। इस मौसम की ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।